नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ओम प्रकाश राजभर कभी गब्बल सिंह और कभी खलनायक नहीं नायक हूं, पूरे फिल्मी हो गए हैं। ये फिल्मी हुए क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को ऐसे मुसीबत में गिरा हुआ पा रहे हैं कि ये फिल्मी भूमिकाएं अदा करके अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हैं? हमने कुछ आंकड़ों की पड़ताल की और उन आंकड़ों से जिस नतीजे पर हम पहुंचे वो आज आपके सामने दिखा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाकर के जिस सीट पर दावा ठोके, या कहिए भाजपा ने जो उनको ऑफर किया, वो घोसी ऑफर किया। वही घोसी जहां पर अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है बेइज्जती हो चुकी। मंत्री कद्दावर नेता तारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर मैदान में गांव गांव घूम करके प्रचार किए और भयंकर बुरी तरह करारी हार ली। अब घोसी से अपने सुपुत्र को अरविंद राजभर को वहां सांसद के लिए मैदान में उतार दिया। ओम प्रकाश राजभर की एक ही कोशिश है, एक ही सपना है कि किसी तरह अरुण राजभर और अरविंद राजभर को रोजगार मिल जाए तो पूरे राजभर समाज की भलाई हो जाए, पूरे राजभर समाज का कल्याण हो जाए। बस अरविंद राजभर और अरुण राजभर के भीतर ही वो पिछड़ों का, वो अर्कवंशी, राजभर, मल्ला, केवट, बिंद, नुनिया, जितना गिनाते हैं एक सांस में, सब जातियों का कल्याण सिर्फ वो अरविंद राजभर और अरुण राजभर में तलाशते हैं। लेकिन क्या उनकी वो तलाश पूरी हो पाई है? घोसी के आंकड़े आपको भी चौंकाएंगे। मोदी जी के लहर में भी घोसी ने कभी साथ नहीं दिया, बुरी तरह फंसे। एक बार साथ दिया तो भी हालात बहुत अच्छे नहीं। सारा दस्तावेज आंकड़ा लेकर के आलोक पाठक जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए कि आखिर कैसे घोसी में फंसे हुए हैं और ये फंसे हैं या इन्हें भाजपा ने फंसाया। देखिए, भाजपा बड़े जबरदस्त तरीके से शतरंज खेलती है। सियासी विषाद पर उसकी चालें समझना ओम प्रकाश राजभर कितने भी माहिर हों, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। संजय निषाद फंसे हुए हैं, बेटे को चाहते थे कि अपने सिंबल पे भी कभी बन जाए सांसद, नहीं बन पा रहा है, कमल छाप ही रहेगा। तो वही संकट राजभर के साथ है। राजभर तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएंगे लेकिन जिता नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है मामला। हम भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, फिर भी कर, लेकिन आंकड़े गवाह हैं। आलोक भाई के पास मैं सीधा चल रहा हूं। आलोक भाई, जरा घोसी का इतिहास खोलिए, पन्ने खोलिए। घोसी गए हैं, घोसी में क्या कर सकते हैं? और घोसी में वैसे भी 100% राजभर भी इनके साथ नहीं है, अभी घोसी के उपचुनाव में नजर आ चुका है। गांव गांव इनके खिलाफ राजभरों ने ही प्रचार किया, लेकिन फिर भी घोसी का जरा इतिहास खोलिए, पुराने पन्ने पलटिए। आशीष भाई, देखिए, ये लोकसभा क्षेत्र जो है घोसी का, वो 1957 में पहली बार बना था। 1957 में ये कागज पे, जमीन पे आई और पहली बार लोकसभा क्षेत्र बना। इस क्षेत्र का नाम घोसी रखा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में 1957 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, प्रचंड मोदी लहर में सिर्फ एक बार भाजपा यहाँ पे जीती है, 2014 में। जब 2014 में भाजपा का यहाँ प्रत्याशी जीता तो उसका जो वोट परसेंटेज था मैक्सिमम था 36%। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं। एक तो मधुबन है, दूसरा मोहम्मदाबाद गोना है, तीसरा जो है मऊ है, चौथा रसड़ा है, पांचवा है घोसी। इन पांचों में जब भाजपा लड़ी थी अकेले तो उसको एक सीट मिली थी। मऊ की सीट पे अब्बास अंसारी कहने को सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी से विधायक है, लेकिन सब ये जानते हैं कि वो मऊ की सीट पे मुख्तार अंसारी का कब्जा है, वो बिना निर्दलीय भी जीत सकते थे, तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। मोहम्मदाबाद गौना, वो भी मऊ जिले की आती, सबको पता है कि वहां पे एससी सीट है, वहां फिलहाल बसपा का प्रत्याशी वहां से चुनाव जीता हुआ है। फिर आते हैं घोसी। घोसी में 2022 में सपा जीती थी, वहां से चुनाव जीत के आए, एमएलए बने, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। अब फिर
भाजपा के प्रत्याशी में चुनाव लड़े, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी ने वहां पे 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अब आते हैं रसड़ा पे। रसड़ा जो है बलिया जिले का है और ये गढ़ है उमाशंकर सिंह का, बहुजन समाजवादी पार्टी का। एक सीट है वो है मधुबन की, जहां पे भाजपा जीती है। तो जो जो जाति समीकरण है, जो फिलहाल जिस तरह का उस लोकसभा का इतिहास है, उसमें अगर क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन हो गया है और खबर ये भी आ रही है कि बसपा इस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, उस कंडीशन में तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे के लिए जमानत बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनका तो थोड़ा बहुत चांस बनता है, इस कंडीशन में बनता है कि अगर बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती और अलग से लड़ती है तो। लेकिन उस कंडीशन में भी जो मैंने आपको विधानसभाओं का पूरा क्षेत्र बताया कि इस लोकसभा में 5 विधानसभा है और 5 है सिर्फ तकनीकी रूप से एक ही बीजेपी के पास है। आपको सबको पता है कि मऊ में जहां से अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के टिकट पे MLA बने थे, उस सीट पे पूरा का पूरा वोट जो होता मुख्तार अंसारी के परिवार का होता है। और जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई वहां से बगल वाली सीट से गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, तो उस सीट के जो वोटर हैं वो भाजपा के वोट के पक्ष में वोट देने से तो रहे, वोट देंगे नहीं। जो तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है भूमिहार वोटर की। भूमिहार वोटर क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएंगे? क्योंकि जिस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर देते रहे हैं, उन बयानों के बाद योगी जी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री बनाना है तो भैया उनको मंत्री बना दो। तो जैसा आपने शुरू में कहा आशीष भाई, बेसिकली भाजपा ने इनको फंसा दिया है। एक तरफ तो भाजपा में दिल्ली खेमा जो लिख के देता वही भाषण तो बोलते हैं, और इन्होंने मांगी थी 5 सीट इन्होंने मांगी थी। 2023 में गए थे दिल्ली, बातचीत करके आए थे, 5 लोकसभा सीट मांगे थे, मंत्री पद मांगे थे। मार्च में आके मिला, 1 मंत्री पद मिला और उसके अलावा लोकसभा सीट सिर्फ 1 मिली है, और वो भी सीट ऐसी मिली है जहां पे मतलब जब मोदी की प्रचंड लहर थी 2014 में तो भी भाजपा प्रत्याशी सिर्फ 36% वोट पाया था। और इस सीट पे हमेशा से मतलब 1999 के पहले 1989 से 1999 तक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सब जानते हैं, कल्पनाथ राय, भूमिहार बिरादरी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे कल्पनाथ राय। और कल्पनाथ राय ने मऊ को मऊ बना दिया था आज से 20 साल पहले, जब यूपी में फ्लाईओवर एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, वो मऊ में फ्लाईओवर हुआ करता था और व्हाइट हाउस की तरह मऊ के बाहर मऊ शहर से थोड़ा दूर पे कल्पनाथ राय का बंगला था, उसकी तुलना लोग व्हाइट हाउस से करते जो विकास किया था। वो इकलौते ऐसे सांसद रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ने के बाद इंडिपेंडेंट भी लड़े तो भी जीत गए और समता पार्टी से लड़े तो भी जीत गए। तो एक वर्चस्व रहा है, एक 10 साल का दौर हटा दो कल्पनाथ राय का 1989 से लेकर 1999। लेकिन 1999 से लगातार इस सीट पे 3 बार बसपा जीती है, 1 बार सपा जीती है और बस 1 बार भाजपा जीती है। ये बेसिकली बसपा का गढ़ रहा है। अब जो जिस वजह से दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया है वो भी समझिए, दारा सिंह चौहान बिरादरी का इस पूरे लोकसभा में अच्छा खासा वोट है और दारा सिंह चौहान यहाँ से 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। एक और चौहान है, मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ, बसपा से वो भी सांसद रहे हैं। तो ये जो नोनिया जात की मैं जो बात कर रहा हूँ वो विधानसभा उपचुनाव में तो नहीं गई, घोसी उपचुनाव में। अगर विधानसभा उपचुनाव में घोसी में इतना बड़ा वोट बैंक दारा सिंह चौहान का होता तो दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी छोड़ दिए तो उनको फिर भी भाजपा, क्योंकि उनके वोटर होने चाहिए तो वो जीतना चाहिए, लेकिन वो 4,000 वोटर से हार गए। तो परिस्थितियां और सब कुछ समीकरण ये बताते हैं। और जो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी रोज कर रहे हैं तो भाजपा का कोर वोटर मुझे नहीं लगता है, भाजपा ने पिछले 2 लोकसभा से वोट बैंक अपना बना रखा है, एक अपवाद जरूर है। इसमें 2-3 चीजें और जोड़ने की जरूरत है, कोर वोटर ही नहीं, सुधाकर सिंह जिस तरह जीते हैं घोसी में, राजपूत मतदाता और राजपूत मतदाता ऊपर से जिस तरीके से जौनपुर में कांड हो रहा है, जौनपुर केस, वो भी असर डाल रहा है राजपूत। अच्छा, सुधाकर सिंह वैसे मतलब एक बड़ा उदाहरण सेट हो गया घोसी के उपचुनाव में,
जब यूपी में योगी आदित्यनाथ का डेडिकेटेड मतदाता माना जाने वाला ठाकुर बिरादरी राजपूत मतदाता, उसने सुधाकर सिंह को वोट दिया बड़े पैमाने पर, वो एक दिक्कत होगी। दूसरा भूमिहार, आपने कहा अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी कांग्रेस के, अजय राय घोसी उपचुनाव में भी गए थे घोसी, तो कम से कम अजय राय आज की तारीख में जो भूमिहार लीडरशिप है उसमें सबसे बड़ा नेता कम से कम अजय राय है, नाम से ही चुनाव जीते न जीते वो अलग विषय रहा। तो भूमिहार मतदाता गया, मुस्लिम मतदाता बसपा आए या ना आए दोनों कंडीशन में, मुस्लिम मतदाता खासकर ये जो पूरा क्षेत्र मधुबन रसड़ा घोसी मोहम्मदाबाद गोहना और मऊ, ये जो गिनाया आपने मोहम्मदाबाद गोहना और मऊ का मतदाता मुस्लिम मतदाता, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो एक व्यक्ति के साथ चलेगा, ये जहां तक मुझे लगता है वो चलेगा एक व्यक्ति के साथ, और वो परिवार, वो पूरा परिवार सपा के साथ है, अफजाल गाजीपुर से चुनाव मैदान में है। तो वो बसपा अगर आती है कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी लाती है तो भी उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम मतदाता में बिखराव मुझे घोसी में नजर नहीं आता। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, मैं मऊ 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ गया, दारा सिंह चौहान को लेकर के, दरअसल क्या होता है लखनऊ और दिल्ली की सियासत में पद और कद देख करके नेता को आंका जाता है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा। स्वामी प्रसाद अपना विधानसभा हार गए थे, बहुत बड़े नेता है, दिल्ली में लोग, दिल्ली में यही लोग सोचते होंगे कि स्वामी प्रसाद खड़े होते होंगे तो वहां पे लाखों लोग ऐसे ऐसे करते होंगे मुंडी नीचे, अपना अपना जीत नहीं पाए। दारा सिंह की हालत ये, दारा सिंह को नाम लेने पर लोग भड़क जाते हैं घोसी में, और ये हकीकत है, उपचुनाव में घोसी वालों ने दिखा भी दिया, दिखाया कि जाओ लखनऊ जाओ वहीं जुगाड़ करो मंत्री बनो, यहां जगह नहीं। भयंकर नाराजगी मैं बता रहा हूं, 22 के चुनाव से पहले मैं गया था, भयंकर नाराजगी थी, कहा कुछ नहीं करता है इस क्षेत्र के लिए, यहां तक कि वो आदमी लखनऊ में बड़ा नेता हो गया, यहां पर बाढ़ और वहां पे काफी आती है वो उसका प्रभाव है उस बता, मतलब वहां लोगों को कहना था कि झांकने नहीं आया भाई, 30 दिन 30 दिन गांव कटा रहा, मतलब आम जनजीवन से दूर रहा, कटा रहा, झांकने नहीं आया, वहां देखा नहीं वो आदमी। ऐसे जनप्रतिनिधि से अब कोई ये सोचे कि नहीं वो चमत्कार होगा उनके मंत्री बनने से, हाँ नुनिया बिरादरी से आते हैं, जाति हमारे नसों में दौड़ती है, हिंदुस्तान के मतदाताओं के नसों में जाति दौड़ती है, खून नहीं दौड़ता, तो उसके प्रभाव से बहुत लोग हो सकता है कहें। अच्छा वो भी क्या होता है, जब पहली बार मंत्री मंत्री कोई बनता है तो लोग लगता है कि हाँ हमारा नेता मंत्री बन रहा है, अब घोषित लोग देख करके आज ही जा गए हैं, उब चुके हैं कि मंत्री बनता है कौन सा हमारे लिए मंत्री बनता है, हर बार तो मंत्री बनता है अपने ही लिए बनता है, अपना ही विकास करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी, पहली बार मंत्री बनने में होता है ना आलोक भाई उत्साह, यहाँ पहली बार हमारा नेता मंत्री बना है तो कुछ करेगा, उम्मीदों के सहारे कुछ दिन जीता है आदमी, कहते ना उम्मीदों के सहारे घिसटता है, लेकिन जब कई बार दारा सिंह पहली बार तो मंत्री बने नहीं है, कई बार बन चुके हैं, अब तो आदत में आ गया, अरे मंत्री बना है तो क्या मंत्री बन के कर देगा भाई, क्या दे देगा मंत्री बना है, ऐसे लोग कहते हैं। वो हर क्षेत्र में यूपी बिहार पूर्वांचल में हर जगह पे यही हाल है, जो बार बार मंत्री बनता है और क्षेत्र को भूल जाता है। तो इन हालातों में राजभर के लिए, राजभर पुत्र के लिए परिस्थितियां अनुकूल है नहीं। दूसरी बात, एक और, घोसी चारों तरफ से उन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, लहर वो भूल जाइए आप 14 और 19 वाला, उससे भी इस बार विपरीत परिस्थितियां हैं। आसपास घोसी के एक तरफ गाजीपुर, एक तरफ बलिया, एक तरफ आजमगढ़, ये जो कंप्लीट जैसे कहते हैं ना हवाएं जो आती हैं माहौल वाली, कहते हैं हवाएं माहौल बनाती हैं, तो वहां से हवाएं भी गर्म आ रही हैं अगल बगल से भी, वो भी भाजपा वाली हवाएं नहीं है, मलय पवन, मोदी जी का मलय पवन नहीं चल रहा वहां। आजमगढ़ का माहौल पता ही है आपको, जौनपुर गाजीपुर बलिया, मतलब जौनपुर तो थोड़ा फिर भी हो गया, गाजीपुर बलिया मऊ आजमगढ़, ये सबसे जो हवाएं आएंगी वो हवाएं भाजपा के लिए अनुकूल हवाएं नहीं होंगी, उस हवाओं में बहुत सारी उम्मीदें झुलस जाएंगी, और इसीलिए सवाल पैदा हुआ कि क्या राजभर की उम्मीद भी झुलस जाएगी, बेटे को रोजगार देने की उम्मीद, और क्या बेटा भी बस पियर का गमछा पहन के थाने पे जाएगा। खैर इसमें एक और आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर
ये मतलब अपने बेटा तो फंसा हुआ है, क्या अब ये भाजपा को फंसाने का टेंडर ले लिए हैं? एक दिन गब्बर सिंह, अगले दिन खलनायक नहीं नायक हूं मैं, पूरा फिल्मास्टिक हो गए हैं ये तो। ऐसा है कि कल जो उन्होंने बयान दिया है मऊ में, उसके बाद लगता है क्लास लगी है, दिल्ली ने क्लास लगाई होगी। तो आज एक पत्रकार पे भड़क गया बलिया में, हाँ वो पीले गमछे वाले पे उसने पूछ दिया, तो कहे तुम समाजवादी पार्टी के एजेंट हो। भाई सबसे आसान काम क्या है, अगर पत्रकार आपके मन माफिक सवाल ना पूछे तो विपक्षी पार्टी का एजेंट है। तो हमको भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमसे तो वन टू वन इंटरव्यू में हमसे को कह दिए थे, और हमने उसको चलाया भी था, मैंने मतलब कि न्यूज वॉचर पे चला भी है कि अगर हम अच्छा, आपसे एक एक सवाल। मैं रोकूंगा, बस ये पूरा जवाब सुनूंगा। इस दौर में अगर इस बार राजभर से मुलाकात होगी तो जरूर एक बात कहिएगा, और उसको कहिएगा, रिकॉर्ड करिएगा, वो भी चलाएंगे हम। इस दौर में अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के पत्रकारिता करने की कोई हिम्मत कर रहा है, तो उस पत्रकार का नाम, और जिस पत्रकार को बोला उसका नाम जरूर आप बताइए, चर्चा होनी चाहिए, उसको सैल्यूट होना चाहिए। इस दौर में, जिस दौर में मुकदमा, जेल, लेन देन ये सब आम हो चला है आलोचना पर, इस दौर में अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के कोई पत्रकारिता कर रहा है, भाई साहब उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। सूची में एक नाम और जोड़ो, सूची में एक नाम और जोड़ो, इतनी हिम्मत तो कर लिया। और राजभर साहब को तो शर्म भी नहीं आई, उसकी हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए था राजभर को, कि इस दौर में भी तुम एजेंट बने हो। खैर, पूरे पूरा देश इनके कहने के हिसाब से चल रहा है, फिर भी एजेंट तलाश लेते हैं दो चार पत्रकारों के भीतर जो इनकी मन की बात नहीं करता है। मोदी जी ने तो मंच से कहा उस दिन, मुझे लगा कि वाकई अब कब धरती फटे, कहे कि देश की मीडिया जो मैं बोलता हूँ चलाती नहीं, अगर चलाने लगे तब देखिए। बाप रे बाप, दिन रात एक आदमी चल रहा है, बोल कैसे जाते हैं। मोदी जी के साहस को तो 100 तोपों की सलामी कम है। हाँ, अब कंप्लीट कर दीजिए बात। देखिए बड़ी परेशानी क्या होगी, ओम प्रकाश राजभर घोसी में बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तो गाजीपुर में उन्होंने बहाना बनाया था, पत्रकारों ने पूछा विजय सिंह को लड़ाएंगे, क्या बिल्कुल लड़ाएंगे, क्योंकि गाजीपुर की सीट भी चाह रहे थे। अब गाजीपुर की सीट पे अगर भाजपा ने इस भूमिहार प्रत्याशी नहीं उतारा और कहीं गलती से बाहरी प्रत्याशी उतार दिया, तो समझ लीजिए कि मऊ में खेल, घोसी में खेल बिगड़ने वाला है। और जो मेरी सूचना है, इस बार गाजीपुर में भाजपा सरप्राइज दे सकती है बजाय भूमिहार प्रत्याशी उतारने के, क्योंकि तो 2019 में जब भूमिहार प्रत्याशी मनोज सिन्हा उतरे थे तो सबको पता है कि योगी जी को पहले दिन से ही खतरा लगता है कि मनोज सिन्हा उनके कंप्यूटर हैं। तो कई लोगों का यह मानना है कि एक संदेश भेजा गया था योगी खेमे के द्वारा कि वहां की जो ठाकुर बिरादरी है, जो कि एक बड़े मजबूत नेता है ठाकुरों के, गाजीपुर के ओम प्रकाश सिंह कई बार के विधायक रहे हैं और बड़े बहुत अच्छी पकड़ है, वहां से सांसद भी रहे हैं। तो चूंकि ओम प्रकाश सिंह गठबंधन में थे, साथ सपा बसपा लड़ रही थी, अब चाहे ये मानिए या दिल्ली लखनऊ से सिग्नल गया था योगी खेमे के जरिए, मनोज सिन्हा बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों से ज्यादा हार गए थे। अब की बार जो मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि चूंकि अगर गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ, गाजीपुर लोकसभा में या मुसलमान और यादव मिला के 4.5 लाख वोटर है, लेकिन उस लोकसभा में ओबीसी, गैर यादव ओबीसी वोटर लगभग 8 साढ़े 8 लाख है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट मुझे बताया जा रहा है कि भाजपा के पूर्व एमएलसी और पूर्व उपाध्यक्ष कुशवाहा जी है, नाम मुझे इस वक्त पूरा नाम नहीं याद आ रहा, उनके पोते को शायद भाजपा उतार सकती है। तो अगर उस कुशवाहा जी को उतरता है तो एक तो ठाकुर नाराज अलग से, दूसरा भूमिहार को टिकट अगर नहीं देते हैं तो भूमिहार नाराज हो जाएगा। और यूपी में भले ही भूमिहारों की आबादी 1.5 से 2% है, लेकिन 3 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जबरदस्त जनसंख्या है भूमिहारों की, वोटरों की। एक वो गाजीपुर है, दूसरा बलिया, तीसरा घोसी, आजमगढ़ में भी ठीक ठाक है। तो ये भाजपा और ओम प्रकाश राजभर ने अपने बड़बोले बयान के चक्कर में, अब मुझे सुनने में तो ये भी आया है कि उनको बुला के डांट दिया गया है, डांटा गया है कि पहले जो ब्रिजेश सिंह का नाम ले रहे थे अभी नहीं ले रहे ब्रिजेश सिंह का। तो ओम प्रकाश राजभर अब समझ नहीं पा रहे हैं, या तो देखिए दुनिया की बात बोलते हैं, ये दुनिया की बात बोलते हैं, मैं आज एक बात बोल रहा हूँ आशीष भाई, बात बोलते हैं ना कि वो रिवर फ्रंट घोटाले में फाइल फंसी हुई है, अखिलेश यादव दिन में क्रिटिसाइज करते हैं, रात को गुलदस्ता लेके जाते हैं,
हमको ये समझना है कि ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल में दावा करते हैं कि मैं पूर्वांचल राज्य बनाऊंगा, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनूंगा, उनको तो ये चुनाव खुल के अकेले लड़ना चाहिए था भाई। वो बताते हैं कि उनको इतना जबरदस्त, इनका राजभर और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, और उनकी बात अखिलेश यादव नहीं माने इसलिए आजमगढ़ हार गए, और भाजपा उनकी बात मान ली इसलिए घोसी उपचुनाव हार गई, दोनों सामने हैं। तो ये जो बड़बोलापन है वो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पे जो उदय हुआ है वो 2017 में हुआ, जब वो पहली बार भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मैं जानता था, चूंकि मैं पूर्वांचल का था, बहुत लोग नहीं जानते थे, लखनऊ दिल्ली के लोग जानते भी नहीं थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी कौन। तो और वो बेसिकली उनका इम्पैक्ट जो है पूर्वांचल में ही है, तो पिछड़ा और अति पिछड़े का कॉम्बिनेशन है। और जिस तरह से वो अगर अपने बेटे की जगह इन्होंने किसी और को लड़ाया होता, जातिगत समीकरण को देखा होता, किसी चौहान को उतारा होता, क्योंकि वहां नुनिया जाति के सबसे ज्यादा वोटर है कोसी में, तो किसी चौहान को उतारा होता, किसी भूमियार को उतारा होता। बीजेपी बीएसपी ने गठबंधन ने पिछली बार एक भूमियार को दिया था टिकट, वो चुनाव जीत के सांसद बने थे। तो कास्ट इक्वेशन भी उसमें नहीं है। दूसरा, भूमियारों और ठाकरों में एक अलग द्वंद्व है, योगी और मनोज सिन्हा के वर्चस्व की लड़ाई है। इन सारे फैक्टर को देख के आशीष भाई मुझे लग रहा है कि ये चुनाव मोदी के अलावा ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। और मैं बताऊं सपा में कल से क्या चल रहा है, सपा वाले ने तो कल से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहना शुरू कर दिया कि भाजपा जीरो से शुरू करेगी, हम 3 सीट से शुरू कर रहे हैं चुनाव के पहले ही, उससे तीसरी सीट उन्होंने जोड़ दी है। पहले उन्होंने मैनपुर बोली, मैनपुरी जीतेंगे जीतेंगे, आजमगढ़ जीतेंगे जीतेंगे, और तीसरा उन्होंने घोषित घोषित कर दिया है। भाजपा को तो चुनाव लड़के खाता खोलना होगा, और हमारा तो बिना चुनाव लड़े ही पहले दिन ही हमारे पास 3 सीटें हमारे पास है, तो ये कॉन्फिडेंस है। और आपने देखा है कि कितनी मजबूती से घोसी में वो विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी, और मतलब सोचिए दो दो मुख्यमंत्री, दर्जन भर मंत्री, 40 विधायक, मुख्यमंत्री की सभा, और उसको समाजवादी पार्टी, और प्रशासन का प्रशासन किस तरह से। हाँ, वो तो खैर घोसी का उपचुनाव तो अद्भुत था, उसमें तो जितनी मशीनरी लगी थी, जितने सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सब लगे थे, और फिर भी हार गए। खैर देखते हैं घोसी का नतीजा क्या होता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो इस बार जो है ना समाजवादी पार्टी ये इंश्योर करेगी, वो तीसरी सीट जब उन्होंने लिखित में दे दिया, व्हाट्सएप पे चल रहा है, हम लोग 3-0 है, भाजपा का खाता नहीं खुला 2024 में, हमारा स्कोर अभी नॉमिनेशन फाइल होने के पहले 3 सीट हम जीत चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस बता रहा है भाई साहब, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि गब्बर से आज बयान बदल गया, और आज उनको पत्रकार में समाजवादी पार्टी का एजेंट नजर आया। यानी डांट ने बताया, डांट पड़ी है, हो सकता है डांट पड़ी हो, और समाजवादी पार्टी ने भी तीसरी सीट तय कर लिए कि ये जीतने जीतना है। जैसे बंगाल में, यहाँ पर ममता बनर्जी से कुछ समानता मिल रही है, बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि इनके हारने की व्यवस्था तो पहले करेंगे वो बीजेपी वाले जज साहब, गांगुली साहब हैं बीजेपी के जज, इस्तीफा दे करके अब बड़ा सेवा करने वाले हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। खैर घोसी क्या नतीजा देगा ये देखेंगे। आप देखते हैं न्यूज़ ऑन, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।